सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी खुमेंद्र एंड यू आर वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल खुमेंद्र येडी। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डॉल्बी एटमॉस का जो प्रॉब्लम फेस हो रहा है बहुत से लोगों को, उसको कैसे फिक्स किया जा सकता है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, मैं आपको बताने वाला फुल ट्यूटोरियल, फुल इन्फॉर्मेशन अबाउट डॉल्बी एटमॉस प्रॉब्लम। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा सेटिंग्स में। जैसे कि आप देख सकते हैं सेटिंग्स में, यहाँ से आपको सेटिंग्स में जाना होगा। उसके बाद में आपको ऐप्स में जाना होगा और यहाँ पर आपको चेक करना होगा कि आपके फ़ोन में कोई मतलब इक्वलाइज़र का ऐप तो इंस्टॉल्ड नहीं है। अगर आपके फ़ोन में अगर आपने कोई इक्वलाइज़र का ऐप इंस्टॉल करके रखा है, कहीं किसी अदर प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके, तो सबसे पहले आपको कोई भी इक्वलाइज़र का ऐप जो भी इंस्टॉल आपने किया है उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों, डॉल्बी एटमॉस का ऑलरेडी आपके फ़ोन में यहाँ पे इक्वलाइज़र अवेलेबल है, आपको थर्ड पार्टी ऐप्स की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। आफ्टर अनइंस्टॉलेशन मतलब अनइंस्टॉल करने के बाद में आपको आना होगा डॉल्बी एटमॉस में। जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरा डॉल्बी एटमॉस अभी ऑफ है, अभी मैंने ऑन कर दिया। इसके बाद में आपको कुछ सेटिंग्स करनी होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, बेस एनहेंसर के नाम से एक ऐप यहाँ पर एक ऑप्शन है नीचे में, उसको आपको ऑन कर देना है। ऑफ़ होगा वो पहले डिफ़ॉल्टली। उसके बाद में वॉल्यूम लेवलर को भी आपको ऑन कर देना है। उसके बाद में जो इंटेलिजेंट इक्वलाइज़र है उसको भी ओपन मोड में रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर किया है इसको। और ये जो है इसको म्यूज़िक पे रखना है। उसके बाद में आप कोई भी सॉन्ग प्ले कीजिए, आपको बेहतर साउंड क्वालिटी मिलेगी। तो दोस्तों, ये थे कुछ ट्यूटोरियल्स इस डॉल्बी एटमॉस को सेट करने के। तो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही मेरे वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।